इस वीडियो में दो और आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगा, आर्टिकल 77 और आर्टिकल 85 के बारे में। आर्टिकल 77 वो ऐसा आर्टिकल है जो जिससे हर किसी को डरना चाहिए। डरना इसलिए चाहिए क्योंकि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट, जब सऊदी में काम करते हैं उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और ड्यूरेशन रहता है कि 2 साल, 1 साल या फिर एक ड्यूरेशन तक काम करना है। अगर वो उस ड्यूरेशन से पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं, तोड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ते हैं, तो आर्टिकल 77 के तहत कंपनसेशन देना पड़ता है उस पार्टी को जिनका नुकसान होता है। अगर वर्कर कॉन्ट्रैक्ट को बीच में तोड़ रहे हैं तो बचे हुए जितने भी ड्यूरेशन है उसका सैलरी आपको कंपनी को देना पड़ेगा। अगर कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट बीच में अगर तोड़ता है बिना वैलिड रीजन का, तो कंपनी आपको कम से कम 2 सैलरी आपको देना चाहिए। वो आर्टिकल 77 में बताया गया है। तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है बीच में तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़ लीजिएगा। और आर्टिकल 85 ये एक अलग आर्टिकल है, इसमें लोग बेसिकली कंफ्यूज हो जाते हैं मोस्टली। आर्टिकल 85 एंड ऑफ सर्विस के बारे में बताया गया है कि अगर 1 साल होता है तो आधा सैलरी मिलता है, 2 साल होता है तो 1 सैलरी मिलता है, इस तरह के डिटेल्स। इसके बारे में भी मैंने वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करे हैं, यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप मेरे चैनल में RJWorld2020 लिखिए यूट्यूब में, आपको मिल जाएगा। एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है सऊदी लेबर लॉ का, आप पूरा देख सकते हैं। अगले जो शॉर्ट्स वीडियो में आपको क्यूआ के बारे में मैं बताऊँगा। थैंक यू।